नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। ब्यूटी की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। महिला शक्ति राष्ट्र शक्ति है, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा शुभकामनाएं देते हुए कि महिला शक्ति राष्ट्र शक्ति है। हमेशा से ही महिलाओं की पूजा अर्चना की जाती रही है। महिला समाज के मार्गदर्शक के साथ ही प्रेरणा का स्रोत भी है। 8 मार्च दुनिया का इतिहास में बेहद खास दिन है, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने महिला दिवस को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर शुभकामनाएं दी तमाम महिलाओं को। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि महिला शक्ति राष्ट्र शक्ति है और हमेशा से ही महिलाओं की पूजा अर्चना की जाती रही है, पूजने रही है महिलाएं। महिला समाज की मार्गदर्शक के साथ ही प्रेरणा का स्रोत भी है। 8 मार्च दुनिया का इतिहास में बेहद खास दिन है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। गैरसैंण से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कोर ग्रुप की बैठक के बाद बीजेपी की एक और बड़ी बैठक में शामिल हुए। तो बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बैठक की है। गैरसैंण के विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह बैठक की। मंत्री धन सिंह रावत समेत कई बड़े पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो आपको बता दें गैरसैंण से खबर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने एक और बैठक की बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ जिसमें तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो कोर ग्रुप की बैठक के बाद बीजेपी की एक और बड़ी ये बैठक, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इस बैठक का आयोजन किया। तो गैरसैंण के विधानसभा भवन में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने यह बैठक की है। मंत्री धन सिंह रावत समेत कई बड़े पदाधिकारी भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहे। हालांकि आपको बता दें कि उत्तराखंड की अगर बीजेपी को लेकर फिलहाल उत्तराखंड की अगर बात करें तो काफी सियासी हलचल चल रही है और ऐसे में इस उठापटक के बीच में जो बैठकों का दौर जारी है उसी कड़ी में एक और ये बैठक, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक हुई, कल पूरे दिन बैठक चली, ऐसे में आज ये एक और बैठक का आयोजन किया गया गैरसैंण के विधानसभा भवन में। कुछ नाराजगी थी नेताओं में जिसके बाद बैठक की गई। हालांकि अब ये एक और बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने विधानसभा गैरसैंण के विधानसभा भवन में की जिसमें कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री धन सिंह रावत समेत कई बड़े पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें आपको कि कल ही कोर ग्रुप की भी बैठक हुई थी जिसमें तमाम बड़े नेता पहुंचे थे, पदाधिकारी पहुंचे थे और आज ये गैरसैंण की विधानसभा में बैठक हुई जो कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बुलाई और इस बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो फहीम तना रेजिडेंट रजिस्ट्रार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के लिए। तो फहीम, जिस तरीके से कोर ग्रुप की बैठक हुई और उसके बाद आज ये गैरसैंण के विधानसभा में भवन में बैठक हुई है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह बैठक बुलाई, क्या कुछ खास रहा, इस जो बैठक का उद्देश्य था वो क्या था? बिल्कुल, आपकी आवाज देखिए, ये पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक थी और इस बैठक में मुख्य तौर पर जो चर्चा हुई है वो ये है कि 18 मार्च को 4 साल पूरे हो रहे हैं त्रिवेंद्र सरकार के और 4 साल के पूरे होने से राज्य में विभिन्न स्तरों पर कई कार्यक्रम होने हैं। मुख्य तौर पर उन कार्यक्रमों में ये है कि जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो विकास कार्य हैं, जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचानी है, विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना है और योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है वो जनता तक पहुंचाने के साथ साथ उसका फीडबैक भी लिया जाना है। तो इस कार्यक्रमों को लेकर के मुख्यमंत्री ने विस्तृत तैयारी और तरीके से पूरी चर्चा मंथन किया है और क्योंकि जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है कार्यक्रम को लेकर के, उस पर मंथन हुआ है मुख्यमंत्री की इस बैठक में। जी फहीम, जिस तरीके से जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उससे ये बात सामने आया कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कि नाराज हैं फिलहाल जिस तरीके से काम हो रहा है उसको लेकर सवाल उठ रहे थे और कोर ग्रुप की ये बैठक हुई, तमाम बड़े पदाधिकारी मंत्री पहुंचे, तो उसके बाद आज ये बैठक हुई जिसमें 4 साल को लेकर आगे जो विकास कार्य है वो जनता तक किस तरीके से पहुंचा है इसके बारे में मंथन किया जा रहा है, तो क्या किसी तरह की कमी देखी गई या उसका कुछ असर दिखाई दिया?
उस मामले से कोर ग्रुप की बैठक के मामले से बिल्कुल अलग बैठक थी और ये पहले से निर्धारित बैठक थी, यानी कि औपचारिक बैठक रही काम को लेकर। बिल्कुल, देखिए ये काम को लेकर के ये अलग सरकार के कामकाज और सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर के, और चूंकि पार्टी संगठन में जिम्मेदारियां दी जाती हैं, सत्ताधारी दल के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि सरकार की योजनाओं को समझे, फिर समझने के बाद कार्यकर्ता पदाधिकारी जनता तक पहुंचाएं अलग अलग, और बीजेपी संगठन तो काम भी डोर टू डोर कैंपेन वाला रहता है, संगठन में बहुत प्रभावशाली ढंग से कोशिश होती है, तो योजनाएं ऐसे में पदाधिकारियों के जरिए जाती है। अब जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई, जिलाध्यक्ष मंडल अध्यक्षों के साथ मीटिंग करेंगे, फिर मंडल अध्यक्ष नीचे के पदाधिकारियों के साथ अपनी कार्यकारिणी के साथ बैठक करेंगे, तो ये एक चेन है और इस चेन सिस्टम को लेकर काम हो रहा है, और मुख्यमंत्री ने इन सरकार के कामकाज को लेकर के जो 4 साल पूरे उपलब्ध है और आगे के लिए भी फीडबैक लिया है, जो जनता से फीडबैक, संगठन से जो फीडबैक जिलाध्यक्षों को पर आया है वो सीएम ने पूछा है जिलाध्यक्षों से, ताकि आगे हमारे दिनों में जो काम हो सरकार के, तो उन सलाहों को, जो सलाह मिली है, जो सुझाव मिले हैं, उनको भी ध्यान में रखा जा सके। तो फिर किस तरह के सुझाव बीजेपी जिलाध्यक्षों ने दिए, क्योंकि तमाम जिलाध्यक्ष पहुंचे, पदाधिकारी पहुंचे, तो क्या कुछ बातें रखी गई सामने? देखिए अभी विस्तार से तो इसको देखना होगा कि किस तरीके के सुझाव है, लेकिन मुख्य फीडबैक रहता है सरकार के कामकाज को लेकर के, और उस पर मंथन हुआ है, तो मुख्य तौर पर सरकार के जो 4 साल पूरे हो रहे हैं इसके जो कार्यक्रम है इसको लेकर के ही सीएम के साथ मंथन हुआ है। चलिए फहीम, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुनाव कराने की मांग की है, बीजेपी को सरकार भंग करके चुनाव में जाना चाहिए, हरीश रावत ने कहा। शनिवार को सरकार में हुए घटनाक्रम पर सवाल खड़े किए हैं पूर्व सीएम हरीश रावत ने। बीजेपी जब जब सत्ता में आई है राजनीतिक अस्थिरता थोपी है। हरीश रावत ने 2016 के दल बदल को भी याद किया, राज्य की राजनीति में कुछ उजाड़ू बदलू है जो अब उधर चले गए हैं, सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, अस्थिरता ठीक नहीं है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये तमाम बातें कही जिस तरीके से कोर ग्रुप की बैठक हुई और तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये बयान दिया। शनिवार को सरकार में हुए घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं हरीश रावत ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब जब सत्ता में आई है राजनीतिक अस्थिरता थोपी है। हरीश रावत ने 2000 से दल बदल को भी याद किया, इसके साथ ही राज्य की राजनीति में कुछ उजाड़ू बदलू है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जो अब इधर से उधर चले गए हैं, तो सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, अस्थिरता ठीक नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता दुर्भाग्यजनक है। भाजपा जब भी सत्ता में आई है उन्होंने राज्य पर राजनीतिक अस्थिरता थोपी है, और 2016 में भी उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता थोपी। किस राजनीतिक दल को फायदा हुआ, किसको घाटा हुआ, वो अलग मुद्दा है, मगर उत्तराखंड को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजनीतिक स्थिरता उत्तराखंड के लिए आवश्यक है। हम नवोदित राज्य हैं, 5 साल ठीक से सरकार चलाए और उसके बाद उस व्यक्ति का परीक्षण और उसकी टीम का परीक्षण होना चाहिए, ताकि जनता ये देख सके कि किसकी पॉलिसीज ठीक हैं, किसकी पॉलिसीज ठीक नहीं हैं। राजनीतिक अस्थिरता दुर्घटना। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने लगवाए कोरोना के वैक्सीन। हरीश रावत ने अपनी पत्नी सहित एक निजी अस्पताल में टीका लगवाया। टीका लगवाकर कुछ समय डॉक्टरों की देखरेख में भी बताया। किसी प्रकार का रिएक्शन ना होने पर हरीश रावत को घर भेज दिया गया। हरीश रावत ने वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टरों का आभार भी जताया। सभी से अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाने का अनुरोध भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी पत्नी के साथ कोरोना का टीका लगवाया और उसके बाद कुछ देर तक डॉक्टरों की निगरानी में भी रहे, और जब उन्होंने बिल्कुल ठीक फील किया तो उन्हें घर भेज दिया गया। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी से अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाने का अनुरोध भी किया। नर्सिंग यूनिट ने ये काम संपादित किया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं इस वैक्सीन के जो आविष्कारक हैं, क्योंकि ये एक भारतीय शक्ति की प्रतीक बन गई है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
सीरम इंस्टीट्यूट से लेकर के जो भी वैज्ञानिक मानवता की सेवा के काम में लगे थे वो हम सब लोगों की तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। दोनों बहुत उत्साहपूर्वक इस काम को संपादित कर रहे हैं। देहरादून में भी ये काम बहुत जोश से चल रहा है और मैं सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपनी अपनी बारी से सब लोग जो है वैक्सीन जरूर। देहरादून में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने आज आप प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर कैग द्वारा जारी रिपोर्ट में 305 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता पर सरकार पर निशाना साधा है। आप नेता ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में टनकपुर जौलजीवी सड़क निर्माण से लेकर स्वास्थ्य सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जो साफ तौर पर इस सरकार की नीति और नियति को दर्शाता है। सूबे में स्वास्थ्य मानकों के साथ खिलवाड़ ठेकेदारों से अधिकारियों की साठगांठ के चलते उनको फायदा पहुंचाने में किया गया भ्रष्टाचार और इसके साथ ही अपात्रों की पेंशन समेत कई गंभीर मामले इस रिपोर्ट में उजागर हुए। नेपाल बॉर्डर, भारत नेपाल सीमा पे जो टनकपुर जौलजीवी रोड बननी है, एक तो उसकी डीपीआरई गलत बनाई पीडब्ल्यूडी विभाग ने और ठेकेदारों ने मिलकर, अधिकारी क्या कर रहे थे, सरकार क्या कर रही थी, उसमें से 2 करोड़ रुपया गलत डीपीआर बनने की वजह से गलत बनाई गई डीपीआर पे खर्च कर दिया, वो बर्बाद हो गया। 9 करोड़ से ऊपर ज्यादा वो पैसा जो है अन्य मदों में उसको खर्च कर दिया। तो इतनी इनसेंसिटिवनेस, असंवेदनशीलता, लापरवाही, करप्शन कैग की रिपोर्ट ने उजागर किया है। आखिर ये उत्तराखंड के आम नागरिक जो कर देते हैं, टैक्स देते हैं, उस पर मौज मस्ती हो रही है। वही धर्मनगरी हरिद्वार इस समय कुंभ में हो चली है, जहां विभिन्न अखाड़ों की पेशवाइयां निकल रही हैं। उसी क्रम में श्री महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई सोमवार को निकलने जा रही है। सोमवार को महिला दिवस होने के चलते महानिर्वाणी की पेशवाई महिलाओं को समर्पित की जाएगी। सोमवार को निकलने वाली श्री महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई के संबंध में अखाड़े के सचिव रविन्द्र पुरी ने बताया कि पेशवाई में उनके आराध्य भगवान कपिल मुनि नगर में भ्रमण करेंगे। पेशवाई प्रसिद्ध दक्ष प्रजापति मंदिर से चलकर श्रीयंत्र मंदिर और सती कुंड होती हुई देश रक्षक तिराहे से कनखल चौक होते हुए महानिर्वाणी की छावनी में प्रवेश करेगी। उन्होंने बताया कि महानिर्वाणी की पेशवाई भव्य और दिव्य तो होगी ही, साथ ही सामाजिक सरोकारों का संदेश देती नजर आएगी, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संत और नागा के साथ साथ 41 महामंडलेश्वर मौजूद रहेंगे। महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल मुनि जी का नगर भ्रमण होगा। सिद्धपीठ भगवान दक्षेश्वर महादेव के पवित्र प्रांगण से पेशवाई का जो प्रारंभ है 11 बजे के आसपास होगा। वहाँ से श्रीयंत्र मंदिर होते हुए जगजीतपुर से देश रक्षक चौराया और वहाँ से कनखल नगर का भ्रमण करते हुए श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी कनखल चौक, वहाँ से छावनी में प्रवेश होगा। अखाड़ा महानिर्वाणी की स्थापना विक्रमी संवत 805 ईस्वी में बिहार के गढ़ गोलकुंडा के मैदान सिद्धेश्वर महादेव में अखाड़े के 8 सिद्ध महापुरुषों के द्वारा की गई है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी वैदिक सनातन धर्म की प्राचीन संस्था है, जो राष्ट्र हित और धर्म रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। आज का जो कुंभ 2021 उत्तराखंड में होने जा रहा है, कोविड महामारी को देखते हुए सारे मानदंडों का पालन करते हुए श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के समस्त महामंडलेश्वर आचार्यगण, समस्त संतगण, श्री महंत सचिवगण और भक्तों का समूह नगर भ्रमण करते हुए कल जो है भगवान दक्षेश्वर के प्रांगण से पेशवाई प्रारंभ। महानिर्वाणी के इष्ट देवता भगवान कपिल मुनि जी का नगर भ्रमण होगा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। डोईवाला से खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को सफल बनाते हुए महिला समूह की महिलाएं घरेलू उत्पादों पर विशेष रूप से ध्यान दे रही हैं। जिस कड़ी में नई आशा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने नगर पालिका के वार्ड संख्या 3 बारूवाला कान्हरवाला में देश के प्रसिद्ध होली के त्यौहार के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। होली के त्यौहार के लिए इस बार समूह की महिलाओं ने ऑर्गेनिक रंग बनाए हैं। ये रंग सूखे व गीले दोनों प्रकार के होंगे, तो वहीं चाइनीज रंगों के होने वाले बुरे प्रभाव से भी इस बार लोग बच सकेंगे।
और नई आशा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ये रंग तैयार किए जा रहे हैं। हमने पालक के द्वारा, चुकंदर के द्वारा, गुलाब की पत्तियाँ, गेंदे की पत्तियाँ और कई सारी चीज़ें हमने इसमें यूज़ करी हैं। हमने तो हल्दी के भी रंग बनाए हैं और ये त्वचा के लिए इस बार तो होली में सबके रंग खिलने वाले हैं। जहाँ लोग पहले होली से भागते थे, लेकिन इस बार वो दिल खोल के होली करेंगे क्योंकि उनका रंग में भी चमक आएगी और केमिकल बिल्कुल नहीं है और हमारी महिलाओं के चेहरे पे भी चमक है कि उनको रोज़गार मिल रहा है घर बैठे बैठे। पहले जो रंग आते थे उसमें कांच मिला रहता था, केमिकल मिला रहता था, इसलिए लोग काफ़ी इससे भागते थे। लेकिन अब जो ज़्यादातर बीमारियाँ बढ़ रही हैं, कैंसर जैसी, स्किन एलर्जी जैसी, तो इसलिए हमने ये प्रोडक्ट उतारे हैं। तो अब लोग होली से भागेंगे नहीं। और अब मैं तो इसे आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का भी यही है कि लोकल फॉर वोकल, इससे काम भी मिलेगा और अच्छे प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं आपको। तो इस बार चाइनीज़ प्रोडक्ट का बिल्कुल बहिष्कार करें और हमारे स्वयं तो वही लालकुआ में जंगलों में कुछ ऐसे भी लोग निवास करते हैं जो कि खत्तों के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग काफी परेशान हैं। डोली रेंजर के जंगलों में 5 खत्तों में रहने वाले लोग अब इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने विधायक से लेकर वन विभाग के उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है कि उन्हें और उनके परिवार को दूसरी ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाए जहां उनकी जिंदगी बच जाए। दरअसल जंगली जानवर इनके घर तक पहुंच जाते हैं, जो कि किसी आत्मघातक हमले से कम नहीं है। रोजाना हाथी, शेर, भालू जैसे जंगली जानवर शाम होते ही इनके घरों के पास पहुंच जाते हैं। और होता तो पहले ही, हमारे बुजुर्ग यहीं बसे हुए हैं तो हम अच्छा ही था, मगर जब ये हमको ये परेशान कर रहा है तो हम कैसे कर रहे हैं, कैसे हमारे बच्चों को मार जाएगा, हमें मार जाएगा, फिर क्या करेंगे इससे। तो ऐसे में विभाग को क्या करना चाहिए है? विभाग को ऐसे हाँ, विभाग को अब यही करना चाहिए कि यहाँ से दूसरी जगह दे देना चाहिए हमें, अच्छी जगह कहीं बचाव के लिए। लोग रहते थे और समय पहले से, तब से हम देख रहे हैं। और यहाँ पर हाथी हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, सारा नुकसान कर जा रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। पिछले से कुछ महीने पहले हमारे खत्ते में, हमारे गांव है, वहाँ पर क्या कहते हैं, हाथियों ने सारी झोपड़ियाँ वोपियाँ तोड़ दी थी। और यहाँ पर अभी भी आ रहा है, रात में शाम को 5-5:30 बजे के आसपास आ जाता है हाथी, और दिन में तो शेर वेर तो दिखते ही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।